हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यू ऑल वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अपना जो फर्स्ट चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस, उसमें दो फ्रेंड के बारे में बताया था। एक फ्रेंड का नाम था सलमा और दूसरी थी संजना। तो उसमें संजना की जो फैमिली है वो एक बड़ी फैमिली थी और सलमा की जो फैमिली है वो स्मॉल फैमिली थी। उसके बाद जो संजना की फैमिली है उसका एक जनरेशन ट्री बताया गया था कि उसकी फैमिली में कौन कौन है, जैसे ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंड मदर, मदर, हरसेल्फ, ये सभी। तो इस तरह हमने पढ़ा था कि जो संजना की फैमिली है वो एक जॉइंट फैमिली है और जो सलमा की फैमिली थी वो एक न्यूक्लियर फैमिली है। ठीक है, तो आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा टॉपिक है अडॉप्शन। अडॉप्शन क्या होता है? जब कोई पेरेंट्स जो है या फिर जिनकी कोई भी चाइल्ड नहीं होता है, बच्चा नहीं होता है, वो किसी दूसरे बच्चे को जब गोद लेते हैं तो उसको अडॉप्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अडॉप्शन। वन संजना एंड सलमा वेंट टू ए गार्डन फॉर पिकनिक इन रेनी डेज। दे एंजॉय द गेम्स एंड फूड विद फेलो फ्रेंड्स इन गार्डन। वाइल देवर ईटिंग देयर क्लासमेट मोहन आस्क टू योगी टू होम यू ब्रिंग विद यू। एक बार संजना और सलमा बारिश के दिनों में पार्क में घूमने गए थे। वही वहाँ पर गेम्स खेलकर एंजॉय कर रहे थे और साथ में कुछ फ्रेंड्स भी थे और गार्डन में भी कुछ खा भी रहे थे। उसी दौरान उन्होंने अपने जो क्लासमेट था मोहन, उससे योगी के बारे में पूछा कि तुम अपने साथ ये किसे लाए हो। योगी, सी इज माय यंगर सिस्टर। योगी ने कहा कि वह मेरी छोटी बहन है। फिर मोहन ने पूछा, आई हैव नेवर सा हर बिफोर। सडनली फ्रॉम वेयर शी केम, उसने पूछा कि मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है, ये अचानक से कहाँ से आई। योगी ने कहा, शी इज न्यू टू आवर हाउस, माई पेरेंट्स अडॉप्ट हर, शी इज जस्ट लाइक मी फॉर माई पेरेंट्स, हेंस शी इज माई सिस्टर। I like her very much. She walk with me and copied me too. तो योगी ने कहा कि वह हमारे घर में नई है, मेरे पेरेंट्स ने उसको अडॉप्ट किया है, उसको गोद लिया है और मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, वह मेरे साथ ही चलती है और मुझे कॉपी करती है। टू गिव लीगल प्रोटेक्शन टू रिलेटिव्स और अदर्स चाइल्ड इज कॉल्ड अडॉप्शन। यानी किसी रिलेटिव्स के बच्चे को या फिर किसी दूसरे के बच्चे को लीगल प्रोटेक्शन, यानी जो कानूनी सुरक्षा है, वो लीगल प्रोटेक्शन देना ही अडॉप्शन कहलाता है। फिर टॉपिक है Who is alike whom, यानि कौन किसके जैसा दिखता है। आपने देखा होगा कि जो फैमिली में जो बच्चे जो होते हैं वो अपने किसी पेरेंट्स के कुछ जो खूबियां होती है वो उनमें मैच करती है। संजना एंड हर सिस्टर पिंकी
वेंट टू देयर मामाज मैरिज विद देयर मदर। संजना और उसकी जो बहन थी पिंकी, वे अपने मामा की मैरिज पर अपनी माँ के साथ गए थे। देयर मौसी वाज आल्सो केम देयर, सी हैड ए स्मॉल डॉटर इन हर आर्म्स। उनकी मौसी भी वहाँ आई थी और उनके हाथ में एक छोटी बच्ची भी थी। लुक मदर हाउ ब्यूटिफुल सी इज, हर नोज इज़ लाइक नानी, आईज आर लाइक चाचा जी, फेयर कलर इज लाइक ग्रैंड फादर, हर ब्रदर्स फेस कलर इज वाइटिश। तो संजना ने कहा कि वह कितनी सुंदर है, उसकी जो नाक है वो नानी जैसी है, उसकी जो आँखें हैं वो चाचा जी जैसी है, उसके जो कलर जो है वो ग्रैंडफादर जैसा है, और उसके जो ब्रदर का फेस है वो एकदम वाइटिश है, यानी एकदम गोरा है। फिर नेक्स्ट है, संजना आस्क टू हर मदर, मामा अंजलि फ्रॉम माय क्लास राइट्स फ्रॉम लेफ्ट हैंड, बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल, सी इवन गॉट प्राइज फॉर दैट। आई आस्क हर वाई डोंट यू राइट फ्रॉम राइट हैंड, वी ऑल राइट फ्रॉम राइट हैंड, सी रिप्लाइड आई डू ऑल माई वर्क विद लेफ्ट हैंड, आई ट्राइड टू राइट बाई राइट हैंड बट फेल्ड। संजना ने एक बार माँ से कहा कि उसकी जो क्लासमेट है अंजलि, वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है, लेकिन फिर भी उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही अच्छी है और उसके लिए उसे प्राइज़ भी मिला है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती हो, तो उसने कहा कि उसने राइट हैंड से लिखने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो लिख नहीं पाती है, वो सिर्फ लेफ्ट हैंड से ही अपने सारे काम करती है। द फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन मैच टू फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चों के जो शारीरिक लक्षण हैं वो अपने पेरेंट्स और अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी शारीरिक लक्षणों से मैच करते हैं। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड हेरेडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। चिल्ड्रन गॉट सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द नियर बाई एटमोसफेयर विच आर नॉट हेरेडिटिकल। तो जो बच्चों के जो शारीरिक लक्षण अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं उनको बोला जाता है हेरेडिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं वंशानुगत लक्षण। जैसे कि किसी चाइल्ड के पेरेंट्स की हाइट अगर कम है तो उसकी हाइट भी कम रहती है, इसी तरह दूसरे जो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे चलने का स्टाइल है या फिर बैठने और उठने का जो स्टाइल है वो सब भी अपने पेरेंट्स से मैच करता है। इसके अलावा कुछ और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बच्चा अपने आसपास के जो एटमॉस्फेयर होता है, आसपास का जो भी वातावरण होता है उससे मैच करता है, और ये जो लक्षण मिलते हैं एटमॉस्फेयर से ये हेरेडिटिकल नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स ट्राई टू नो। इसमें हमें दो साइंटिस्ट के बारे में बताया जाएगा जिन्होंने हेरेडिटी पर रिसर्च की थी। फर्स्ट है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल डिड अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट एंड गिव द लॉज ऑफ हेरेडिटी, दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ हेरेडिटी। जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उससे उन्होंने
हेरिडिटरी की लॉ दिए यानी वंशानुगत के नियम बताए, इसीलिए उनको फादर ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया कि जैसे दो बड़े मटर के पौधे लिए, उनमें आपस में हाइब्रिड करवाया और उससे जो है जो नया पौधा निकलता है वो एक बड़ा पौधा था। उसके बाद उन्होंने दो छोटे पौधे लिए और उनको आपस में हाइब्रिड करवाया और उससे जो पौधा बना था वो एक छोटा पौधा था। तो इस तरह उन्होंने हेरिडिटरी के नियम बताए थे। सेकंड जो साइंटिस्ट है वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना रॉट मैनी पेपर्स फॉर द न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ हेरिडिटी। ही वॉज अवार्डेड बाई नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ हेरिडिटी। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने हेरिडिटी पर बहुत सारी रिसर्च की थी और बहुत सारी रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किए थे, इसीलिए उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। पिंकी अंडरस्टैंड दैट वी ह्यूमंस आर अलाइक अस ओवर पेरेंट्स और अदर फैमिली मेम्बर्स, बट शी वांट्स टू नो दैट दिस प्रॉपर्टी आल्सो एग्जिस्ट इन एनिमल्स। पिंकी अब समझ गई थी कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो जो है अपने पेरेंट्स के जैसे और दूसरे फैमिली मेम्बर्स की तरह वो दिखते हैं, लेकिन वो ये जानना चाहते थे कि जो ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ है क्या वो जानवरों में भी होती है या नहीं होती है। एग्जैक्टली, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एंसेस्टर, बट सम प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट टू। इवन ट्विन चाइल्ड हैव देयर ओन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज। एग्जैक्टली, ये सभी जो प्रॉपर्टीज है वो सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें पाई जाती है, लेकिन कुछ जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी भी कुछ अपनी अलग इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है, कुछ अलग लक्षण होते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू।